हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस कार्डिगन के ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ की जैकेट में कार्डिगन में बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में जेंट्स के स्वेटर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ये बहुत इजी बहुत आसान और बहुत प्यारा डिज़ाइन है और अगर ये बॉर्डर की वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस बॉर्डर की वीडियो भी मेरे चैनल पर है आप देख सकते हो नहीं मिलेगी तो मैं लिंक सेंड कर दूँगी मेरे को कमेंट कर देना ठीक है तो आज मैं आपके साथ ही इस डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए वो सिक्स के मल्टीपल्स से जैसे छः फंदे छः फंदे छः फंदे, फंदे आपने ऐसे करते हुए जाना है लास्ट में आपने चार फंदे डाल लेने हैं तो डिज़ाइन अच्छे से आपका सेट हो जाएगा तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना सिलाई में देखिए यहाँ पर मैंने फंदे लिए लिए हैं सिक्स सिक्स के मल्टीपल से एटीन और चार फंदे एक्स, एक्स्ट्रा ये मैंने ट्वेंटी टू फंदे लिए हैं ठीक है तो इसकी फर्स्ट रो सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को हम उतार लेंगे आप बनाना चाहो इसे बना भी सकते हो ये आपकी मर्जी है उसके बाद ये दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ ये एक दो तीन चार फंदे उल्टे अब इस स्टिच को छोड़कर यहां से जहां तक हमने जो फंदों का डिजाइन बनाया है इसी डिजाइन को अपने पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है दोबारा से रिपीट करेंगे तो देखिए धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार लास्ट में ये आपके पास तीन फंदे बचेंगे जिसमें से दो फंदे तो हम सीधे बना लेंगे ये स्टिच के फंदे को भी सीधा और इस डिज़ाइन में उल्टी तरफ से जितनी भी सिलाइयां डलेंगी ना वो सारी उल्टी उल्टी ही डलेंगी कुछ रो में देखिए जाली भी डलेगी हमारी लेकिन वो भी उल्टा उल्टा ही फिर बनाना है हमें तो ये पूरी रो हमने ऐसे ही धागा और सिलाई अपनी तरफ करते हुए उल्टी बना लेनी है थर्ड रो सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतार देना है थर्ड रो भी बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही डलेगी ये दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर कर कंप्लीट कर लेनी है दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे ये लास्ट का फंदा भी सीधा बना लेंगे अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी अब सीधी तरफ से ये हमारी फिफ्थ रो है फिफ्थ रो हमारी फर्स्ट और थर्ड रो की तरह ही बनेगी फर्स्ट फंदे को उतारिए दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ चार, फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार। फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड रो बनाई है सेम वैसे ही हमने ये अपनी फिफ्थ रो भी बना लेनी है ये छह सिलाइया हमारी सेम टू सेम वो ही डलेंगी ठीक है छह सिलाइया हमारी सेम वैसे ही आएंगी लास्ट के देखिए ये दो फंदे सीधे और ये एक फंदा स्टिच का जिसे सीधा बनाएंगे अब उल्टी तरफ से फिर से हमने पूरी रो ये उल्टी कंप्लीट कर लेनी है अब सीधी तरह से ये हमारी सेवन्थ रो है तो इस फर्स्ट फंदे को उतार लेना है ये एक फंदा सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर हमने जाली डालनी है इस फंदे को उतारना है इस तरह से सीधा कर लेंगे एक ये वाला फंदा और एक ये वाला इन दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए दो काई करेंगे और यहाँ पर बीच में देखिए हमने अपनी जाली डाल ली अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे आगे से देखिए ये उल्टा फंदा सीधा फंदा इन दोनों में इस तरह से आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद सिलाईड पर ये एक और ये दो दो बार इस तरह से हमने बल दिया देने के बाद इस फंदे को उतारेंगे ऐसे सीधा कर लेंगे एक फंदा ये वाला एक फंदा ये वाला पीछे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे एक फंदा हमने यहां से कम किया एक फंदा यहां से तो जाली भी यहाँ पर हमने दो बार डाली है अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे ये उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे उल्टा फंदा सीधा फंदा दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे अब ये एक और ये दो दो बार सिलाई पर ऐसे बल देंगे इस फंदे को उतार के सीधा करेंगे सीधा और उल्टा फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक धागा फिर से अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे धागा दूसरी तरफ ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा दोनों में डालेंगे आगे से दो का एक कर देंगे अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहां पर जारी डालेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ये लास्ट का फंदा भी सीधा अब उल्टी तरफ से हमने जो रो बनानी है वो एट थ्रो है हमारी और वो भी रो पूरी उल्टी आएगी देखिए इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे ये एक फंदा उल्टा इस जाली वाले फंदे को भी हमने उल्टा ही बना लेना है अब यहां पर हमने दो जालियां डाली थी तो दो बार हमने फंदा डालना है बनाना है देखिए ये एक बन गया ये एक बनने के बाद देखिए, अब यहां से एक बार इसे और बना लेंगे ये दो फिर से देखिए ये फंदे हमारे उल्टे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे अब यहाँ पर हमने देखिए सिलाई पर दो बल दिए थे ठीक है एक बार ऐसे डाला सिलाई को उल्टा बना लिया निकाल दिया फिर एक बार यहां से ऐसे लेंगे इसे उल्टा बना देंगे ये दो फंदे हो गए हमारे फिर से ये फंदे हमारे उल्टे और ये लास्ट का फंदा भी उल्टा ये भी उल्टा ये भी उल्टा ठीक है अब सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे ये एक ये दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे एक ये फंदा एक ये फंदा दोनों में दो का एक डालेंगे दो का एक करेंगे पीछे से स्लाई डालते हुए और यहाँ पर हमने अपनी जाली भी डालते। अब हमने देखिए यहाँ पर आगे से ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा इन दोनों में स्लाई डालनी है आगे से ऐसे और दो का एक कर देना है धागा अपनी तरफ यहाँ पर हमने जाली डालनी है ऐसे उल्टा घुमाते हुए और ये एक और ये दो फंदे उल्टे फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है इस फंदे को ऐसे उतारेंगे ऐसे सीधा करेंगे एक और ये दो इन दोनों को दो का एक कर देंगे इस तरह से ठीक है अब आगे से सिलाई डालते हुए फिर से हमने यहाँ पर दो का एक कर देना है धागा अपनी तरफ करना है ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे सिलाई पर और इन दोनों फंदों को जाली से जो हमने बढ़ाए हैं उल्टा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ ही रखेंगे इस फंदे को उतारकर ऐसे सीधा कर लेंगे दो फंदों में सिलाई डालेंगे पीछे से ये दो का एक, फिर आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे ठीक है उसके बाद धागा अपनी तरफ करते हुए ये लास्ट के फंदे सीधे बनाएंगे अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी और इन जाली वाले फंदों को भी आपने उल्टा ही बना देना है अब जैसे हमने ये दस सिलाइया अपनी कंप्लीट की हैं, इन टेन सिलाइयों को दोबारा से रिपीट करेंगे लेकिन देखिए डब्बी हमारी चेंज हो जाएगी उसे कैसे करेंगे देखिए इस फर्स्ट फंदे को पहले उतार लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन ठीक है अब धागा दूसरी तरफ करेंगे यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ ये लास्ट के हमारे देखिए तीन फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा अब उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे अब जैसे हमने ये वाली रो बनाई है ना बिल्कुल ऐसे ही हमारी ये चार सिलाइया और डालेंगे ही क्योंकि छह छह सिलाईया हमने पहले ऐसे ही सिंपल डालनी है तो एक बार मैं फिर से दिखाती हूं आपको इस फर्स्ट फंदे को उतारिए धागा अपनी तरफ करते हुए तीन फंदे आप उल्टे बना लीजिए फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे ये सीधे धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे फंदों पर बस फंदे बनाते जाना है हमने देखिए चार फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे फिर से उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे अब लास्ट में ये तीन फंदे उल्टे और एक फंदा हम सीधा बना देंगे उल्टी तरफ से पूरी रो हमारी ये उल्टी बनकर आएगी और ऐसे ही हमने एक रो सीधी तरफ से और एक रो उल्टी तरफ से और बना लेनी है ठीक है उल्टी सिलाई बनाइए पहले फिर सीधी तरफ से सेम ऐसे ही फिर एक उल्टी तरफ से ये तीन सिलाइया आप कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे दिखाती हूं आपको ये तीन सिलाइया मैंने और बनाकर कंप्लीट कर ली है देखिए इस तरह से ये बनकर आ गया है हमारा अब हमने फिर से यहाँ पर अपनी जाली वाला ये वाला डिजाइन बनाना है तो इसे कैसे बनाना है एक बार ये देख लीजिए इस फर्स्ट फंदे को उतारिए फिर धागा अपनी तरफ कीजिए ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं इन्हें हम उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे सिलाई पर घुमाना है हमने धागा ठीक है देखिए धागे को दो का एक किया दो का एक करने के बाद धागा ऐसे एक बार घुमाया ये दो बार दो बल आ गए हमारे क्योंकि यहाँ पर एक बार यहाँ पर दो का एक किया है एक बार इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे एक बार एक ये फंदा एक ये फंदा यहाँ पर दो का एक हो गया हमारा पीछे से सिलाई डालते हुए ठीक है फिर धागा अपनी तरफ करना है हमने और ये दो फंदों को उल्टा बना देना है धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे सिलाई पर फिर से देखिए ये एक बार ये दो बार बल देंगे इस फंदे को तार कर ऐसे सीधा करेंगे सीधा और उल्टा फंदा दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे ये उल्टे धागा दूसरी तरफ फिर से उल्टा फंदा सीधा फंदा दोनों में सिलाई डालेंगे आगे से दो का एक कर देंगे एक दो दो बार बल देंगे इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे लास्ट में ये आपके दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा इस तरह से आपने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है अब उल्टी तरफ से देखिए उल्टी तरफ से हमने कैसे करना है इस फर्स्ट फंदे को उतारते हुए ये एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बनाए अब यहाँ पर हमने देखिए दो बार बल दिया है तो दो ही फंदे हमारे यहाँ पर बनेंगे पहले ये वाला फंदा उल्टा बनाया निकाल दिया अब फिर हमने ऐसे यहां से स्लाइड डाली इसे बना लिया देखिए यहाँ पर दो बन गए फिर फंदे ये उल्टे हैं चार इन्हें उल्टा बनाएंगे बनानी पूरी रो हमने उल्टी ही है उल्टी तरफ से कोई डिजाइन नहीं डालना है सिर्फ अपनी जाली का ध्यान रखना है कि यहां पर हमारी दो बार जाली डलेगी इसे निकाल दिया अब से यहां से ऐसे तो ऐसे करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे पूरी अब सीधी तरफ से देखिए इस फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे ये सीधा फंदा और ये एक उल्टा फंदा आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे उल्टा घुमाएंगे और ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए ऐसे उतारेंगे सीधा करेंगे इन दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे दो का एक कर देंगे ठीक है अब यहां से आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाते हुए ये दो फंदे उल्टे फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे सीधा और उल्टा फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक अब आगे से सिलाई डालते हुए इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से बल देंगे दो फंदे ये उल्टे फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे इस फंदे का ऐसे उतार कर सीधा किया इन दो फंदों में पीछे सिलाई डालते हुए दो का एक कर दिया धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा और उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है ये उल्टी रो बनाने के बाद देखिए डिजाइन हमारा ये फिर फर्स्ट रो से यहाँ से स्टार्ट होगा तो फर्स रो फर्स्ट रो इस फर्स्ट फंदे को उतारिए ये एक ये दो दो फंदे हमारे ये आएंगे सीधे ठीक है फिर ये एक दो तीन चार उल्टे ये दो सीधे चार उल्टे दो सीधे चार उल्टे ये दो फंदे सीधे ये स्टिच का फंदा भी सीधा और जब आप आगे आगे बनाते जाओगे तो इस तरह से आपका ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिज़ाइन है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे ये मैंने बनाया है साथ में फ़िटिंग के साथ ऐसे भी आप इसे डाल सकते हो ऊपर नीचे डिज़ाइन को बीच में दो फंदे सीधे दो उल्टे का ये मैंने बॉर्डर की तरह बनाए हुए इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है आप ऐसे भी बना सकते हो ठीक है तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करना मत भूलिएगा लाइक का बटन भी अभी दबा दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय हैव एन आई डे